तो आप शेयर जरूर करें, जरूरतमंद लोगों को आपकी तरह जितने भी लोग हैं वेल्डिंग से रिलेटेड, वेल्डिंग ट्रेड से रिलेटेड, उन तक जरूर पहुंचाएं आप लोग, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठाएं। तो लाइव लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें, ये बेटा इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके थैंक यू, शुरू करते हैं बेटा अपना लेक्चर, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सबसे पहले तो बेटा हम ये जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती क्या है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं बेटा क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग होती है आपका, अगर फिलर मटेरियल के हिसाब से अगर मैं देखूं इसको, फिलर मटेरियल पूरक पदार्थ के अनुसार अगर मैं इसको देखूं, पूरक पदार्थ, पूरक पदार्थ, पूरक धातु, तो ये आपकी होती है, ये आपकी होती है, ये कौन सी वेल्डिंग होती है आपकी, ये होती है आपकी ऑटोजिनस वेल्डिंग, ऑटोजिनस वेल्डिंग। और जैसे ही मैं ऑटोजिनस वेल्डिंग अगर बोलता हूं तो एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, ऑटोजिनस वेल्डिंग में हम फिलर मटेरियल यूज नहीं करते हैं। फिलर, फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल, मटेरियल नहीं यूज करते हैं, फिलर मटेरियल का उपयोग नहीं करते हैं। बिना फिना मटेरियल के हम यहां पर क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, होगी बेटा, इतनी बात मेरी क्लियर होगी आपकी। ये कौन सी आपकी, ये ऑटोजिनस वेल्डिंग है। कौन सी आपकी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती कैसे है, होती कैसे है, फ्लोइंग करंट के बीच में, फ्लोइंग करंट के बीच में अगर मैं कोई रेजिस्टेंस ले आऊं, अगर फ्लोइंग, अगर 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 बेटा अगर ये करंट मेरा बह रहा है, ठीक, ये करंट है, ये करंट मेरा फ्लो कर रहा है, ये करंट मेरा फ्लो कर रहा है, ठीक, ये करंट मेरा फ्लो कर रहा है, और इसके बीच में, फ्लोइंग करंट के बीच में मैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हिंदी में इसको बेटा मैं ये समझ लो, इसके पाथ में, इस फ्लोइंग करंट के, फ्लोइंग करंट, धारा प्रवाह, किसका, करंट का, इसके बीच में, इस फ्लोइंग करंट के बीच में अगर मैं ये जो जॉब है, इस जॉब के माध्यम से, इस जॉब के माध्यम से ये क्या है मेरा, ये है वर्क पीस, वर्क पीस, इसके द्वारा, इस वर्कशीप यहां पर किस चीज का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस, 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 इसने क्या किया यहां पर, फ्लोइंग करंट, फ्लोइंग करंट के बीच में, के बीच में बाधा पहुंचा दी। मैं ये कह सकता हूं कि इसने क्या कर दी वहां पर, बाधा पहुंचा दी। और इसके रेजिस्टेंस, इस जॉब के रेजिस्टेंस के कारण यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या होगी, हीट जनरेट हो जाती है। इसके कारण यहां पर क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है, लाल लाल आपको दिख रहा है बेटा, इसके कारण यहां पर क्या जी, ये आपकी हीट, हीट जनरेट, उष्मा, उष्मा, उष्मा उत्पादित हो जाती है। किसके कारण भाई, करंट फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था, अब करंट फ्लो कर रहा था, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, बीच में मैंने क्या ला दिया, जॉब ला दिया, वर्क पीस ला दिया। अब इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सारी अलग है, जॉब की वायर की अलग है, इलेक्ट्रोड की अलग है। अब उसके बीच में वर्क पीस ने क्या किया, रेजिस्टेंस का काम किया है। उस रेजिस्टेंस के कारण यहां पर क्या है, यहां पर हीट जनरेट होती है। और ये हीट जो होती है, ये कितनी जनरेट होती है, ये होती है बेटा आई स्क्वायर, ये होती है आपकी आई स्क्वायर आर टी, ये होती है आपकी आई स्क्वायर आर टी, ठीक, जूल।
जहां पर आई जो है मेरा, ये क्या है, ये है आपका करंट। आर क्या बेटा, ये है रेजिस्टेंस, और ये क्या आपका टाइम पीरियड, मतलब कितने टाइम तक आपने जो है करंट को फ्लो कराया। आई स्क्वायर आर टी, यहां पर जो हीट उत्पन्न करती है इसको हम किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और यहां से बेटा आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। मेरी बात क्लियर हुई। निशु पांडे क्लियर नहीं है सर, क्या क्लियर नहीं है बेटा, रफीक मोहम्मद सर आईटीआई के सिलेबस में कहां रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, शायद नहीं है बेटा, वेल्डर वाले मुझे बताओ रेजिस्टेंस वेल्डिंग आप पढ़ते हैं। ठीक, तो इस तरीके से मेरा क्या करता है, काम करता है बेटा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इस तरीके से रेजिस्टेंस वेल्डिंग कि भाई सबसे अगर बोलो कि इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या, कैसे काम करती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जो कैसे काम करता है, तो कोई नहीं, हमने क्या बोला कि भाई किसी पाथ में अगर विद्युत धारा प्रवाह कर दी है उसके बीच में वर्क पीस जो है उसको रेजिस्टेंस के बीच में अगर मैं रख दूं तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हीट जनरेट हो जाएगी, मतलब हीट जनरेट क्यों हो रही है, वर्क के रेजिस्टेंस के कारण। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा। अच्छा, प्रदीप नेगी बोल रहे हैं ब्रेज वेल्डिंग और ब्रेजिंग में, बिल्कुल बेटा ब्रेज वेल्डिंग और ब्रेजिंग ये थोड़ा अलग अलग है बेटा। क्या अलग है, ब्रेज वेल्डिंग क्या होता है, बिल्कुल एकदम अलग नहीं है बेटा, बिल्कुल ब्रेज वेल्डिंग जो होती है सिंपल, अगर मैं आपको एक वर्ड में अगर बोलूं बेटा, ब्रेज वेल्डिंग आप समझ लो वैसी होती जैसे आपकी गैस वेल्डिंग होती है, ब्रेज वेल्डिंग सिंपल आपकी वैसी होती जैसी गैस वेल्डिंग होती है। अभी बेटा मैं इसको कंटिन्यू करने दो, आपने अगर पूछा है तो इसको मैं आपको बताऊंगा, वेल्डिंग, ब्रेज वेल्डिंग और ब्रेजिंग। इसके अलावा बेटा मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जो आपकी टिप होती है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में आपने देखा होगा बिट यूज करते हैं हम, बिट, ठीक, कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड टूल की बिट यूज करते हैं हम, ठीक, तो उसको क्या करते हैं हम सैंक पे फिक्स करते हैं, सॉरी जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो होता है आपकी नोज है, नोज पे क्या करते हैं हम आगे फेस के ऊपर वहां पर क्या करते हैं, वहां पर फिक्स कर देते हैं। अब उसको फिक्स कैसे करते हैं, उसको ब्रेजिंग से करते हैं बेटा, उसको हम कैसे करते हैं, ब्रेजिंग से। और भी मेथड है लेकिन ब्रेजिंग भी एक आपका क्या है मेथड है, कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा, आगे हम फिर बात करेंगे। इतनी बात सबको क्लियर होगी बेटा रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। अब बात आती है प्रिंसिपल हमको समझ बताया गया, ठीक, अब आपको बात आती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, बात अगर मैं करूं बेटा रेजिस्टेंस वेल्डिंग यहां पर वेरी लो वोल्टेज, एंड वेरी लो वोल्टेज एंड वेरी हाई करंट यूज होता है वेल्डिंग में। जो बेटा हम अगर रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें तो इसमें बहुत लो वोल्टेज यूज होता है, और यह क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, यह क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में पूछा गया है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो वोल्टेज होता है वो बहुत कम यूज होता है, ये होता है आपका 0.4 से 10 वोल्ट, बहुत कम वोल्टेज यूज किया जाता है।
और आपका जो करंट होता है इन थाउजेंड ऑफ एम्पियर, थाउजेंड ऑफ एम्पियर, थाउजेंड ऑफ एम्पियर मतलब लगभग, अगर मैं बोलूं 10 किलो एम्पियर तक यूज किया जा सकता है। देखो कितना ज्यादा, थाउजेंड ऑफ एम्पियर, थाउजेंड में, हजारों में एम्पियर जो होता है हजारों में यूज किया जाता है, थाउजेंड तक किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये दो पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो वोल्टेज यूज होता है वो बहुत कम वोल्टेज यूज किया जाता है। क्वेश्चन बना है बेटा यहां से, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन यहां से बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब आता हूं बात, अगर हम बात करें, अब बात करता हूं बेटा टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली स्पॉट और सीम, स्पॉट सीम प्रोजेक्शन, सबसे ज्यादा जो आप यूज करते हो वेल्डिंग वो कौन सी करते हो, स्पॉट और सीम। इसके अलावा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग, इसके अलावा बेटा रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग, सबसे ज्यादा यूज कौन सी करते हैं आप, स्पॉट और सीम। स्पॉट नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक बिंदु, एक बिंदु पे अगर आपको क्या करना है, वेल्ड करना है, एक टांका मारना है, सिंगल टांका, ऐसे पूरी बीड नहीं बनानी है आपको, एक जगह से। और जनरली अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहां से निकल के आया, जैसे मेरे को ध्यान आ गया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो ज्वाइंट बनता है वो हमेशा लैप ज्वाइंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रेजिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। स्पॉट और सीम की अगर मैं बात करूं, स्पॉट और सीम की बात करूं, प्रोजेक्शन की बात करूं मैं, लास्ट वाला रेजिस्टेंस बट छोड़ देना, आपका वहां पर नाम ही क्या है आपका, बट है, ठीक। तो पहली जो तीन होती है जो सबसे ज्यादा यूज होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, ये बेटा इनकी बात कर रहा हूं मैं, क्या यूज होता है बेटा यहां पर, लैप ज्वाइंट। इसको मैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन में लैप ज्वाइंट बनाया जाता है। आपने देखा होगा सीट को एक दूसरे के ऊपर रख के, सीट को एक दूसरे के ऊपर रख के ज्वाइंट बनाया जाता है, लैप ज्वाइंट बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी बात मेरी क्लियर हुई सर? CBT 1 का क्लास कैसे ज्वाइन करें बेटा? हमारे पोर्टल में एक डेडिकेटेड बैच चल रहा है आपके, किसके लिए, DRDO सेप्टम के लिए, आपका असिस्टेंट ए, जो आपका एग्जाम है ITI वालों के लिए। तो आप चाहो तो वो जो है परचेज कर सकते हो, जिसको मात्र 1039 1039 में आपको बेटा मिल रहा है। उसमें बेटा हम GS, उसमें हम जनरल अवेयरनेस, आपका क्वांटिटेटिव क्वांट जिसमें आपकी मैथ्स आती है, इसके अलावा रीजनिंग और बेटा इंग्लिश, ये चारों चीजें हम कवर कर रहे हैं उसमें, चारों चीज। ये हमारा शुरू हो चुका है बेटा, वो हमारा शुरू हो चुका है।
आप ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 दिन हुए हैं अभी, ये हमारा मंडे से लगभग मंडे के बाद शुरू हो चुका है। अगर आप चाहो, अगर नॉन टेक वाला पोर्शन जो है 40 मार्क्स के लिए अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हो, 40 मार्क्स अपना अच्छा करना चाहते हो, तो बेटा आप इसके मेक इट इजी का जो ऐप है इससे जो है आप परचेज कर सकते हो 1039। और 1039 में बेटा आपको टेक भी मिल रहा है, नॉन टेक भी मिल रहा है, लेकिन इसमें जो टेक ट्रेड थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो आईटीआई वाला जो है थोड़ा ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है वहां पर आप बेटा देखो, वेल्डिंग तो मैं यहां पर कवर करा रहा हूं, लेकिन वो चीजें जो है जैसे आपकी कॉमन चीजें, जो चीज आप कॉमन चीजें पढ़ते हैं वो चीजें आप वहां से आसानी से पढ़ सकते हो। जैसे बेटा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, लेआउट, वर्कशॉप लेआउट, हैंड टूल्स, और सी आपके टाइप्स ऑफ फायर, फायर एक्सटिंग्विशर, और तमाम वो सारी चीजें जो आपकी कॉमन है आईटीआई फिटर की और वेल्डर की, वो चीजें आप वहां से गेन कर सकते हो। इतनी बात मेरी क्लियर हुई बेटा आपकी? बेटा थ्योरी की लगाएं सर, थ्योरी की तो हम लगा दें बेटा, थ्योरी की तो हम लगा दें, लेकिन थ्योरी को लगाने के लिए बेटा स्टूडेंट भी तो हो, स्टूडेंट भी तो हो आप लोग, अगर थोड़ी मेहनत करें, अगर हमें स्टूडेंट मिल जाए, अगर हमें स्टूडेंट मिल जाए बेटा, हमारा तो काम है, हमें स्टूडेंट मिल जाए तो हमें करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी मेहनत बेटा, 1-1.5 घंटा यहाँ पर बात करनी, ठीक, बच्चे ना हो, अगर सुनने वाले बच्चे ना हो जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अगर वही ना हो तो क्या फायदा बेटा, ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी भावनाओं को, अपनी भावनाओं को, आपकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए, आपकी भावनाओं के, आपकी चिंता को ख्याल में रखते हुए बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वाले सेशन में जो मैं लाइव डेली आता हूं 4 बजे, ये केवल मैं फोकस करता हूं कि आप लोगों जो है आप लोगों का नुकसान ना हो, आपके लिए भी कुछ जितना मेरे से हो सके वो आप तक पहुंचा सकूं, ठीक। तो आपका भी बेटा इतना फर्ज बनता है कि आप लोग भी है थोड़ा इस चैनल को नीडी, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं जिनको जरूरत है। आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे बेटा जो वेल्डर से रिलेटेड होंगे, ठीक, क्या वेल्डर नहीं बेटा, ये मेरा जो है सेशन चलता है कॉमन चलता है, आईटीआई फिटर हो, वेल्डर हो, मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहता है सेशन। तो सब लोग मेरे इस जो फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे चलती है इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक। आप सब्सक्राइब करवाइए बेटा, अपने साथ वाले लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ फायदेमंद चीजें हैं, कुछ नया कंटेंट, कुछ नया क्वालिटी लेवल हमें मिल रहा है, कुछ लेवल जो है वो और अच्छा मिल रहा है, तो आप जरूर बेटा कोशिश करें। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, हम थे बेटा यहां पर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए, ठीक। ये बेटा स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन बेंडिंग, रजिस्टर वेल्डिंग, ये टाइप्स है बेटा वेल्डिंग के। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा स्पॉट वेल्डिंग की, सबसे पहले बताऊं स्पॉट वेल्डिंग की, स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, स्पॉट वेल्डिंग की, तो स्पॉट वेल्डिंग के केस में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा कि स्पॉट वेल्डिंग जो होती है वहां पर एक पॉइंट पे ही मैं क्या करता हूं, वेल्डिंग करता हूं। एक सिंगल पॉइंट पे अगर मुझे वेल्डिंग करनी होती है तो उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, स्पॉट वेल्डिंग। इसको क्या बोलता हूं मैं, स्पॉट वेल्डिंग। अब देखिए बेटा स्पॉट वेल्डिंग होता क्या है, स्पॉट वेल्डिंग होता क्या, देखो स्पॉट वेल्डिंग में ये दो इलेक्ट्रोड है बेटा, स्पॉट वेल्डिंग में क्या है, दो इलेक्ट्रोड होती है, स्पॉट वेल्डिंग में दो इलेक्ट्रोड यूज होती है, और जो इलेक्ट्रोड होती है सिलिंड्रिकल होती है, सिलिंड्रिकल कॉपर इलेक्ट्रोड। ये क्या है, सिलिंड्रिकल कॉपर इलेक्ट्रोड। नीचे वाली जो इलेक्ट्रोड होती है बेटा ये फिक्स होती है, ये क्या होती है आपकी, फिक्स होती है। ऊपर वाली जो होती है ये होती है आपकी मूवेबल, 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 ठीक। ये क्या होती है आपकी, मूवेबल, ये होती है आपकी फिक्स। कौन सी वाली, नीचे वाली। इतनी बात मेरी क्लियर होगी?
अच्छा, ये इलेक्ट्रोड जो होती है, ये इलेक्ट्रोड जो होती है यहां से, ये यहां से नीचे क्या होती है बेटा, यहां से हॉलो होती है, यहां से क्या होती है, हॉलो, थोड़ा सा हॉलो होती है, थोड़ा सा अंदर जो होता है, अंदर धसी हुई होती है, अंदर धसी हुई होती है, हॉलो। अच्छा, इलेक्ट्रोड जो होती है, इलेक्ट्रोड जो कॉपर इलेक्ट्रोड जो मेरी होती है, ये इलेक्ट्रोड जो होती है, ये होती है वाटर कूल्ड। मतलब आपकी इलेक्ट्रोड ओवर हीट ना कर जाए, आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो ओवर हीट ना कर जाए, उसके लिए क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है ताकि उससे जो है वाटर सर्कुलेट होता रहे। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे हीट जो है यहां पर देनी है, हीट मेरे को यहां पर देनी है, ये ओवर हीट ना हो जाए। बस ओवर हीट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगी तो हो सकता है मेरा जो आपका जो इसका जो फेस है नीचे वाला, वो हो सकता है वहां से छर मेल्ट हो जाए, तो हमें उससे भी बचाना है। अच्छा, कॉपर इलेक्ट्रोड जो होती है, कॉपर इलेक्ट्रोड वो होती बनती है बेटा किसकी, इसको मैं इधर लिख देता हूं, ये फिक्स फिक्स इलेक्ट्रोड, फिक्स इलेक्ट्रोड है बेटा, फिक्स इलेक्ट्रोड है ये फिक्स इलेक्ट्रोड है वाली, ऊपर वाली मूवेबल, ये फिक्स वाली ऊपर वाली क्या होगी, ये मूवेबल इलेक्ट्रोड, ऊपर वाली हमेशा मूवेबल होगी, नीचे वाली फिक्स होगी। अच्छा, कॉपर जो इलेक्ट्रोड होती है बेटा, कॉपर जो इलेक्ट्रोड होती है, कॉपर इलेक्ट्रोड जो होती है ये बनती मेरी इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर, ये कॉपर को बनाने का एक मेथड है। ये जो इलेक्ट्रोड बनी होती है ये किससे बनी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर, और इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे ही आगे आ जाता है बेटा ये क्या है, एक मेथड है, ये मेथड है कॉपर को बनाने का, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने का। इतनी बात मेरी क्लियर आ गई होगा। और थोड़ी मात्रा में बेटा कैडमियम और क्रोमियम, थोड़ी मात्रा में इसमें प्लस प्लस क्या, कैडमियम एंड क्रोमियम मिला दिया जाता है, थोड़ी मात्रा में इसमें कैडमियम और क्रोमियम बनाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसके जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसको एनहेंस करने के लिए, इसका हल्का सा भूलगा, अगर हो सकता है कि आपका जो कॉपर है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, उसको इनहेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कैडमियम और क्रोमियम थोड़ा इसमें मिला देते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर हुई बेटा। इसके अलावा अगर हम चाहो तो टंगस्टन, अगर हम चाहो तो कॉपर में कुछ इलेक्ट्रोड, कॉपर में टंगस्टन प्लस मॉलिब्डेनम, नम भी मिलाया जाता है, तब जाके मेरी कॉपर की इलेक्ट्रोड बनती है। ये यहां से हॉलो होती है, थोड़ा छेद जो होता है ना इसका, कॉपर जो बेस होता है, बेस वो क्या होता है, वो छोटा क्या होता है, वो अंदर थोड़ा धसा हुआ होता है। सर जी पढ़ाने का तरीका बढ़िया है, और बेटा बेटा मत बोला करो, बेटा होता क्या है, हम क्लास में भी पढ़ाते हैं, हम इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो क्या हो? हमारी वैसी वो बन जाती है, आदत सी बन जाती है, तो इन छोटी छोटी चीजों को आप वो माइंड ना करें कि हमारे जो मुंह से जो है बेटा निकलता है। एक्चुअली बेटा यहां पर मैं कोई, मैं नाम नहीं हूं यहां पर, यहां पर मैं कोई नाम नहीं हूं, यहां पर जो मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो यहां पर मेरा अब विजय चौहान नहीं हूं मैं यहां पर, सबसे पहले क्या बेटा, यहां पर मैं एक टीचर हूं, यहां पर मैं क्या हूं, एक टीचर हूं, ठीक। तो जो चीज, जो आदत जो बनी होती है, अभी हम कॉलेज में जाते हैं वहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो एक आदत बनी होती है वही निकलती है। अब इस चीज में अगर मैं लग जाऊं बेटा कि क्या मेरे को बेटा बोलना है, या फिर मेरे मुंह से दोस्त निकले, या फिर यार निकले, या भाइयों निकले, तो बेटा मैं पढ़ाई पूरा टाइम दे ही नहीं पाऊंगा यहां से। आप ये मत समझो ना कि मैं जो सामने खड़ा हूं मैं कोई एक व्यक्ति विशेष हूं, ये समझे कि सामने वाला जो है एक टीचर है, ठीक। तो आप मुझे एक व्यक्ति विशेष ना समझे, एक टीचर समझे। अब मेरे मुंह से क्या निकलता है, देखो मुंह से गलत चीज ना निकले, मुंह से गलत चीज ना निकले, ठीक। बेटा निकल रहा हो, एक
लैंग्वेज टीचर जो होता है, एक टीचर हो जाता है उसकी फॉर्मल जो लैंग्वेज होते हैं, ठीक, फॉर्मल जो एजुकेशन होता है उसमें एक वर्ड जो है निकलता ही है बेटा, अब चाहे वो क्लास में हो चाहे आपका कोचिंग में हो, ठीक, तो निकलता है। तो इसका आप माइंड ना करें, बिल्कुल भी ना माइंड करें कि बेटा निकलता है, ठीक है, ठीक, इस चीज में आप बिल्कुल भी ना रहें। अगर किसी को मेरे अगर ऐसे बोलने से अगर थोड़ा से भी अगर कुछ लगता हो तो अब कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब फ्लो जो होता है ना बेटा, उस फ्लो को अगर होल्ड करने की कोशिश करें तो आदमी जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक। तो ये चीज ऐसा नहीं कि व्यक्ति विशेष के लिए है, ये एक कॉमन क्लास है जिसको हर कोई देख रहा है, तो इस चीज में आप ज्यादा ना उलझे, ठीक है, कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं या सही बोला मैंने, इन चीजों में हम पढ़ेंगे। देखो जो चीज है, जो फ्लो होता है, हर इंसान का अलग अलग फ्लो होता है, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर इसका एक फ्लो होता है। मैं ये नहीं देखता हूं कि मेरे सामने कौन बच्चा बैठा हुआ है, मैं ये मान के चलता हूं सामने जो है वो लर्नर है, सीखने वाले हैं, जो इसको कुछ सीखना है, ठीक। तो आपको क्या सीखना है बेटा, आपको ये सीखना है, आपको मैं यहां से व्यक्ति विशेष के लिए क्या बोल रहा हूं वो नहीं सीखना है, आपको यहां पर ध्यान देना है। इतना बात मेरी क्लियर होगी, ठीक है, इन चीजों में नहीं पढ़ना आपको। मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी आपको कि इन चीजों में ना पढ़ें, जो चीज आपको लेना है हर, देखो यहां पर 10 लोग अगर पढ़ाएंगे तो 10 लोगों को पढ़ाने का तरीका अलग होगा, 10 लोगों का आपका प्रोनाउंस करने का तरीका होता है, कोई दोस्तों में बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, सबका अपना तरीका है, ठीक। तो कोशिश करते हैं, हाँ फिजिकली अगर हम आपके साथ हैं, फिजिकली अगर हमारे साथ हैं तो वहां पर तो हमें दिखता है कि भाई हम कहां पर क्या बोला है, लेकिन यहां पर फिजिकली आप लोग नहीं हो ना, हमें नहीं पता कि कहां कहां पर क्या है, ठीक, तो वो चीज देखना पड़ता है, तो इस चीज में ना उलझे। अच्छा, इसके बाद स्पॉट वेल्डिंग में, इसके बाद स्पॉट वेल्डिंग में अच्छा, इसके बाद ये क्या होता है बेटा, फिक्स इलेक्ट्रोड होती है और ऊपर वाली क्या होती है, मूवेबल। इससे क्या करते हैं आप, इससे प्रेशर प्रेशर देते हैं, प्रेशर मारते हैं किसमें, प्लेट में, वर्कपीस में, और प्रेशर लगभग कितना होता है आपका, 2 किलो न्यूटन के आसपास, 2 किलो न्यूटन के आसपास क्या होता है आपका, प्रेशर होता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इतना बात मेरी क्लियर होगी। इसके अलावा बेटा, जब मेरा ज्वाइंट हो जाता है, जब मेरा ज्वाइंट हो जाता है तो मेरी सीट कुछ इस तरीके की हो जाती है, कुछ मेरी इस तरीके की हो जाती है, ठीक, इस तरीके की हो जाती है, ठीक, जहां पर इस तरीके की हो जाती है, इस तरीके का मेरे को क्या बनता है, एक ज्वाइंट बन जाता है, इस तरीके का ज्वाइंट बन जाएगा एक जगह जहां पर मैंने इसको क्या करा, प्रेस किया है, और इस ज्वाइंट को बोलता हूं बेटा, इस ज्वाइंट को जो मैं बोलता हूं इसको क्या बोलता हूं मैं, इसको बोलता हूं मैं नगेट, NUGGET, नगेट, नगेट, इसको क्या बोलता हूं मैं, नगेट। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इसको बोलता हूं मैं नगेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं क्या बोलता हूं, नगेट बोलता हूं। मेरी बात सबको पता समझ आ गई। अच्छा, अब इलेक्ट्रोड टिप की डायमीटर जो होती है, देखो इलेक्ट्रोड की टिप जो होती है, मैं आपको दिखा दूं, डायमीटर जो होती है वो होती है आपकी कि 6√T, जहां पर टी क्या है, टी क्या है आपकी, ये आपकी थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है, आपकी थिकनेस ऑफ प्लेट। इतनी बात मेरी क्लियर हुई, इतनी बात मेरी क्लियर हुई, इतनी बात मेरी क्लियर हुई। इलेक्ट्रोड टिप का डायमीटर जो होगा वो क्या होता है आपका, 6√T, जहां पर टी है जो है आपका थिकनेस है, वो क्या है आपकी थिकनेस ऑफ प्लेट। इतनी बात मेरी क्लियर हुई, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम, इसमें किसी को प्रॉब्लम, ठीक। और नगेट का जो साइज होता है, नगेट का इसका जो साइज होता है वो लगभग बराबर होता है इलेक्ट्रोड के, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड की जो आपकी इलेक्ट्रोड की जो टिप होती है, इलेक्ट्रोड की जो टिप होती है उसका जो साइज होता है वो लगभग उतना ही होता है बेटा जितना आपका क्या होता है, जितने आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोड की टिप होती है।
इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इतनी बात मेरी क्लियर हुई? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? जर्मनी। और जनरली ये जो होती है आपकी, ये होती है 3 से 6 mm। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके सर, क्लियर है सर, नो प्रॉब्लम। बलराम कुशवाहा, इतना बेटा क्लियर हुआ? किसी को इतने में कोई प्रॉब्लम? इतना क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज और, सपोज ये मेरी क्या हो रखी है, ये कोई प्लेट है और ये स्पॉट वेल्डेड है। ये क्या है? स्पॉट वेल्डेड है। और इसमें क्या है मेरा? ये क्या है? नगेट है। नगेट है ये क्या है आपके? ये है आपके नगेट, NUGGET, स्पॉट वेल्डेड ज्वाइंट को ही मैं क्या बोलता हूं? नगेट बोलता हूं, NUGGET, नगेट, 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 नगेट बोलता हूं। अब इसकी इसकी नियरेस्ट देखो, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से और एज तक की दूरी, ये क्या है? इसके नियरेस्ट जो एज है, इसकी दूरी जो होती है बेटा, एक इसकी दूरी और दो सेंटर के बीच में और दो स्पॉट के बीच में जो दूरी है, ये अलग अलग होती है। ये होती है आपकी 3D। इतनी बात मेरी क्लियर हुई बेटा? और ये होती है 1.5 × D, या इसको मैं सिंपल लिख सकता हूं बेटा, जहां पर कि ये एज है, ये एज है, ये क्या है आपकी? ये क्या है? नियरेस्ट एज, नियरेस्ट एज, नियरेस्ट एज, ठीक। ये भी क्या है आपकी? ये क्या है? ये आपकी नियरेस्ट एज है, नियरेस्ट एज, नजदीकी किनारा, नजदीकी किनारा किससे? स्पॉट वेल्ड से। ये भी क्या है आपका? नजदीकी किनारा किससे? स्पॉट वेल्ड से। अब मैंने आपको बोला कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। इस बिंदु दो स्पॉट वेल्ड अगर पास पास हो रखे हैं, तो दो स्पॉट वेल्ड, दो नगेट के बीच की जो दूरी है वो कितनी? 3 × D। वह डी जहां पर की, डी क्या है आपका? डी क्या है यहां पर? डी इज डायमीटर, डाया ऑफ इलेक्ट्रोड। एक स्पॉट वेल्ड आपने कर दिया यहां पर, उसके बाद आप 3 × डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड उतना अगर मल्टीप्लाई कर दें जो निकलेगा, उतनी डिस्टेंस के बाद दूसरा स्पॉट वेल्ड करोगे, और लास्ट वाला जो स्पॉट वेल्ड होगा वो एज, लास्ट वाला जो स्पॉट वेल्ड होगा वो किनारा एज होगा, जो नियरेस्ट एज होगा, नियरेस्ट जो एज होगा उससे कितना दूर होना चाहिए? 1.5 D होना चाहिए। इतनी बात मेरी क्लियर हुई? इतनी बात मेरी क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम?
इतनी बात मेरी क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम? इतनी बात मेरी क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम हो गया? अच्छा, इसके अलावा जो आपका नगेट होता है, ज्वाइंट होता है, वो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। और वो डिपेंड किस चीज पे करेगा बेटा? वो डिपेंड करता है आपका, ठीक, ये देखियो, हीट जो जनरेशन हुई वो किस किस पे डिपेंड? करंट पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, आई टी टाइम, कितने पीरियड कितने समय तक आपने उसको दबा कर रखा, समय का भी यहां पर फर्क पड़ेगा। हो सब पता लग रहा, आपने देर तक जो है इसको प्रेस करके रखा और करंट ऑन है, तो क्या हो जाएगा आपका वहां पर ज्वाइंट होने के बजाय क्या हो जाएगा, वहां पर छेद हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपकी जो पेटल पर प्लेट की जो थिकनेस है, प्लेट की जो थिकनेस है, उस प्लेट की थिकनेस के लिए आपको कितना एम्पियर करंट चाहिए, कितने टाइम तक आपको करना, वो हर मेटल के लिए, हर मटेरियल के अलग अलग होता है, वो आपके पास होता है, वो आपके पास पूरा का सिस्टम जो वहां पर लिखा होता है कि कहां पर किस मटेरियल के किस थिकनेस के लिए आपको कितना एम्पियर का करंट देना है और कितने टाइम तक उसको प्रेस करके रखना है। एक दूसरी चीज बेटा, स्पॉट वेल्ड की अगर मैं बात करूं, स्पॉट वेल्ड की अगर बात करूं, तो ऊपर वाली जो है मूवेबल होती है। ये जो होती है ये फुट ऑपरेटेड होती है। आपको अगर दिख रहा होगा बेटा स्क्रीन में, अगर दिख रहा होगा आपको, एक दिख रहा होगा, ये क्या है आपकी, ये स्पॉट वेल्ड मशीन जो है आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है। ये देखिए अगर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है स्क्रीन पे, ऊपर वाली जो, देखो नीचे वाली जो है आपकी फिक्स है, ऊपर वाली क्या है ये देखिए, ऊपर वाली जो है क्या है, वो मूवेबल है। ये जो ऑपरेट होगी ये फुट स्टेप से होगी। लीवर नीचे होता है, जो पैडल टाइप का होता है नीचे, उससे ऑपरेट होती है। आप जैसे ही दबाओगे पैडल, वैसी ऊपर वाली जो है वो दब जाएगी, वर्कपीस जो है दबा देगी नीचे जो आपकी जो फिक्स इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर, और जैसे ही आप पैडल छोड़ोगे ये ऊपर वाली जो है ऊपर उठ जाएगी। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, ठीक। कुछ इस तरीके से आपकी जो है ये होती है आपकी स्पॉट वेल्ड। एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे अगर मुझे वेल्ड करना है तो उसके लिए मैं स्पॉट वेल्डिंग यूज करता हूं। कोई प्रॉब्लम? इतना क्लियर हो गया, ठीक। कल बेटा वाटर कूल इलेक्ट्रोड, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेटा कल, अच्छा, स्पॉट वेल्ड। एक इंपॉर्टेंट चीज स्पॉट वेल्ड का जो सिंबल, स्पॉट वेल्ड का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है? वो कुछ इस तरीके से होता है, बिल्कुल ओ। स्पॉट वेल्ड का सिंबल होता है ओ या फिर जीरो, बिल्कुल गोल सर्कल एक, ये क्या है आपका स्पॉट वेल्ड का सिंबल है। क्लियर होगी? कल बेटा हम पढ़ेंगे दूसरी आपकी क्या, आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जो कि आपकी सीम वेल्डिंग। जैसे एक होता है पॉइंट और एक होता है लाइन। लाइन कैसे बनती है? जब कंटिन्यूअस पॉइंट अगर हम चला दें तो मेरी लाइन बन जाएगी, ठीक। और आपका जो, वैसे ही यहां पर भी बेटा, अगर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर, यहां पर इलेक्ट्रोड कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। यहां पर जो सीम होगी, यहां पर क्या होती है? लाइन होती है, सीम वेल्ड, स्पॉट की एक लाइन, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगी? एक तरफ से आपकी वेल्ड होता हुआ चला जाएगा सीट। यहां पर बेटा, यहां पर क्या, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्ड होता रहता है, यहां पर कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्ड। और यहां पर जो इलेक्ट्रोड होती है वो किस फॉर्म में होती है? रोलर के फॉर्म में होती है। बाकी सेम चीज लगभग सेम होती है। कल बेटा इसी टाइम पे मिलते हैं, ठीक। कल इसी टाइम पे मिलेंगे 4 बजे। ओके, थैंक यू। बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जरूरतमंद लोगों तक, जैसे आप लोग हो, आप लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं मिलता सर इतना, तो उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं, उन लोगों तक भी ये चैनल जरूर पहुंचाएं जिनको बेटा ये जरूरत है।